नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। आज हम बात करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स की। अब तक मैंने पेजेस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो थोड़ा सा पेज के बारे में आपको बता दूं, पेज का क्या रोल होता है। टैरो कार्ड में जब भी आप पेज देखते हैं, पेज इज अ बिगिनर, ही इज समवन सो फ्रेश विद लाइफ, ही इज जस्ट बिगनिंग हिज लाइफ। अभी वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल शुरू कर रहा है। पेज ये वो लोग हैं जो कि जिनमें इनोसेंस है, जिनमें किसी भी तरह का कोई कपट नहीं है और इनका दिल बिल्कुल साफ है। ये अच्छा सोचते हैं और अच्छा चाहते हैं और इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता है। इनके साथ कपट इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दे आर लाइक चाइल्ड लाइक, एंड when you are childlike you are closer to god, that's what jesus also says। so jaise maine aapko baat kari hai ki har card ke keywords hote hain, kuch pop out hote hain, to jab bhi aap koi card dekhe to usko pehle analyze kariye, usko dekhiye wo aapse kya baat karna cha raha hai। to jab aap page of pentacles ko dekhenge to usme kuch words hain jo pop out karenge, like innocence, peaceful, money, quiet, simplicity, a learner, the one who is ready to learn। also जब आप कार्ड में देखेंगे इस पेज और पेंटिकल्स में, there is a feeling of awe, there is also a feeling of appreciation inside, like जो मिला है वो इतना सुंदर है। क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स को हम जोड़ते हैं अर्थ के साथ। सो इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ खास बात ये है, वो ये बोलता है कि जो उसको मिला है, जो धरती उसको मिली है, जो धरती की सुविधाएं उसको मिली हैं, वो कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है। सो ही इज लाइक ही इज रियली थैंकफुल, ही इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ व्हाट ही इज गिवन। और पेज के साथ बस एक ही खतरा होता है, क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक चाइल्ड लाइक दे कैन फॉल एंड दे हैव एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे कैन गेट ट्रैप्ड इन द डिजायर्स विच कम फ्रॉम द अर्थ। देन डिजायर्स ऑफ द अर्थ कुड बी मनी, पावर, प्रेस्टीज, एनीथिंग लाइक दैट। तो पेज के साथ बस एक पॉसिबिलिटी ये है गिरने की, फंसने की उन डिजायर्स में और उसी में रह जाने की। तो जब आपको ये कार्ड मिले पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका कार्ड का जो मीनिंग आएगा, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट समवन हु इज जस्ट बिगिनिंग अ जर्नी, और अब एक नई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की गई है, या फिर आप अभी जो है यू आर वेरी इनोसेंट एट द मोमेंट, यू डोंट नो मच, बट you trust the moment and you want to go ahead। what page of pentacles need is some kind of a support, someone mature around, so that person can guide this page and he can take the right step। page of pentacles mein dekhte hain ki wo coin ko jo hai analyze kar raha hai। coin ko analyze karne ka matlab simply ye hai ki is urja ko kahan leke jaye, is energy ko wo kahan kharch kare। और अभी इस वक्त क्योंकि पेज का खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, व्हाट इज रिकमेंडेड इज टू टेक द हेल्प ऑफ समवन अराउंड हु इज मोर मैच्योर, हु दिस पेज कैन ट्रस्ट। अदरवाइज स्टेप तो लेना ही है, लेकिन स्टेप अगर लेना है तो सोच समझ के संभल कर। हम इस पेज की और क्वालिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कार्ड के अंदर बहुत एक पीसफुल इन्वायरमेंट सा क्रिएट किया गया है, लाइक इट्स काम, इट्स क्वाइट, इट्स ब्यूटिफुल, एंड इट टॉक्स अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ। कई लोग इसको जो है कहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल इज द मोस्ट स्पिरिचुअल कार्ड इन द डेक, क्योंकि जब हम इसका हाव भाव देखते हैं पेज का, तो आपको ये देखने में लगता है कि he is very innocent at heart and he is just very happy, जो भी मदर अर्थ ने उसको दिया है।
तो जब भी आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए तो उसमें आपको एक ही चीज का जो है इशारा हो रहा है कि यू आर ब्लेस्ड, आपको जो है एक अच्छी एक सिचुएशन जो है मिली हुई है, उसमें बस आपको जो है सोच समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और अगेन अगर हो सके तो इफ़ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ समवन हु इज मोर मैच्योर अराउंड, दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल। सो क्योंकि ये कार्ड अगर आप देखें पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स इट इज़ रिलेटेड टू मनी पावर एंड whatever things which are related to the earth. So इसमें एक और बात हो सकती है कि हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसी पॉइंट हो सकता है कि आपके लिए कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक सिचुएशन आ रहा हो, तो इसमें बस आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। पेजेस के साथ बस एक ही जो है डाउनफॉल है वो ये, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं अपनी ही गलती से। सो इट्स लाइक अ गिफ्ट विच इज गिवन टू यू, एंड द ओनली द थिंग व्हाट पेज ऑफ पेंटिकल इज ट्राइंग टू टेल यू इज टेक स्टेप्स कॉशियसली, एंड व्हेन इट कम्स टू यू इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू आर ब्लेस्ड, जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज द ब्लेसिंग इन द राइट वे। So this was my reading for Page of Pentacles today. I hope you liked it. I'll see you in my next one. Namaste.